दोस्तों हाल फिलहाल में मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि सर आप हिंदुस्तान एनर्जी सेवर कंपनी का रिव्यू करिए, ये कंपनी काफी ज्यादा लोगों को ठग रही है और कहीं ना कहीं इसके अंदर एक स्कैम है, ये लोगों का पागल बना रही है। तो चलो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं प्रशांत शर्मा आपको बताऊंगा हिंदुस्तान एनर्जी सेवर के बिजनेस प्लान के बारे में, क्या ये जेन्युइन बिजनेस प्लान है या ये भी एक स्कैम है जहां पर आप लोगों के साथ होने वाली है ठगी। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। तो हिंदुस्तान एनर्जी सेवर ये कंपनी दो प्रोडक्ट्स के साथ आती है। सबसे पहला है आपका विद्युत मित्र, जिसके अंदर एक कार्ड आपको दिया जाता है जो प्रॉमिस करता है कि भाई आपकी बिजली के बिल पे 15-30% की बचत करेगा। वहीं दूसरी तरफ ये आपको देते हैं स्कूटी, दो स्कूटी ये बनाते हैं और जिनको ये बेच रहे हैं, लेकिन बात इनके प्रोडक्ट की नहीं है, एटलीस्ट स्कूटी की तो नहीं है, बात है यहाँ पे विद्युत मित्र कार्ड की और दूसरा इनके फ्रेंचाइजी मॉडल की, मतलब जिसको ये कहते हैं चैनल पार्टनर। दोस्तों ये किस तरीके से एक स्कैम का रूप ले रही है, चलिए मैं आपको बताता हूं। ये जो विद्युत मित्र कार्ड है इसके ऊपर काफी सारे लोगों ने चेक करके बताया है कि भैया ये जो आपका विद्युत मित्र कार्ड है ये कुछ और नहीं है, सिर्फ एक पागल बनाने का तरीका है। कैसे? मैंने काफी सारे जब रिसर्च किया इस विद्युत मित्र कार्ड के ऊपर तो मेरे को बहुत सारे वीडियोस मिले और जिसमें से कुछ वीडियोस मेरे को सही भी लगे। यहां पर जो काम विद्युत मित्र कार्ड कर रहा था वही कार्ड आपका हाथ भी कर रहा है और आपका एटीएम कार्ड भी कर रहा है। और जैसे कि मैंने इनके विद्युत मित्र वालों के खुद के भी एक्सपेरिमेंट्स देखे तो उसमें ये लोग करते क्या हो, कहते क्या है, ये कह रहे हैं कि इस कार्ड को अपने एमसीबी बॉक्स में रख लीजिए, आपके पूरे घर के अंदर जो लीकेज हो रहा है पावर सप्लाई का वो ये कार्ड रोक देता है, इसलिए आपका जो बिल है वो 15-30% कम आता है। जस्ट इमेजिन ये जहां पर ये कार्ड रख करके चेक करके बता रहे हैं कि उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस लीकेज को रोक रहे हैं। अगर मैं क्या एमसीबी में रख देता हूं तो क्या वो जो लीकेज हो रहा है वो सिर्फ एमसीबी में हो रहा है? अगर वो सिर्फ एमसीबी के अंदर हो रहा था तो जो आप ये स्विचेस के अंदर चेक करके दिखा रहे हैं वो क्या है? और अगर वो एमसीबी के रखने के कारण रुक जा रहा है तो फिर आप यहां क्यों चेक करके दिखा रहे हैं? फिर एमसीबी में रख करके और मल्टीपल स्विचेस के अंदर चेक करके दिखाएं, क्या पावर बाकी में ही वहां पे जो ये दिखा रहे हैं कि भाई रुक पा रही है और वो रुक जाएगी? और दूसरी चीज ये पावर जो फ्लो रोक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भैया जो पावर जो आपकी वेस्ट जा रही है, बेकार हो रही है, उसको ये कम करता है और उसको चेक करने का ये मेथड क्या यूज कर रहे हैं? जनरल ऐसे इक्विपमेंट्स है जो कभी भी पावर को वेस्टेज को बताते नहीं, वो सिर्फ ये बताता है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है। चलिए इसको भी अगर हम छोड़ें, अगर इनके हम बिजनेस प्लान की तरफ बढ़े तो ये जो इनका विद्युत मित्र का कार्ड है ये 6,000 रुपए का सेल किया जाता है। 6,000 रुपए, आदमी सोचता है यार 6,000 रुपए देने से मेरे महीने का 15-30% अगर बिजली का बिल कम हो गया तो ये 5-6 महीने के अंदर मेरे तो पैसे वसूल हो जाएंगे। ये दोस्तों यही कहानी है। क्या कहानी है? कहानी ये है दोस्तों कि अगर मैं सिर्फ इन लोगों के डेटा की बात करूं तो ये कहते हैं कि आज की डेट में इनके पास 60,000 कार्ड यूजर्स है, 60,000, और अगर हम बात करें इस कार्ड की वैल्यू की तो ये है 6,000 × 60,000, इट विल बी 36 करोड़ and something rupees, मतलब 36 करोड़ रुपए ये अब तक लोगों से ले चुके हैं सिर्फ इस एक कार्ड के नाम पर। इस कार्ड की क्या ऑथेंटिसिटी है कुछ नहीं पता है, कोई इसके ऊपर स्पेसिफिक डेटा नहीं है, कोई स्पेसिफिक रिसर्च नहीं है इस कार्ड की और कोई भी प्रूवन एप्लीकेशन या प्रूफ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई ये कार्ड इस तरह की एक्टिविटी कर सकता है या नहीं कर सकता है। दूसरा, अगर बात करते हैं बिजनेस की तो 36 करोड़ रुपए सिर्फ लोगों से कार्ड के लिए ले चुके हैं और जिसके ऊपर ये कह रहे हैं भैया आपको 600 रुपए पर मंथ की या 500 रुपए पर मंथ की सब्सिडी दी जाएगी 10 साल तक। भैया 10 साल तक रहोगे कि नहीं रहोगे वो तो दूर की बात है, अगर महीने की बात करें महीने के 500 रुपए से साल का इनका बन जाता है पूरा 6,000 रुपए, और अगर 600 रुपए दे रहे हैं तो लगभग साल का बन जाता है 7,200 रुपए। 10 साल के अंदर 72,000 रुपए आपको रिफंड कर देंगे। क्या आपको एक्चुअल में लगता है कि भाई 600 रुपए की चीज के ऊपर आपको कोई 10 साल के अंदर 72,000 रुपए दे देगा? किस बेसिस पे दे देगा कि भैया सब्सिडी दी जा रही है किसकी तरफ से? मॉनेटरी प्रोटोकॉल के नाम पर, मॉनेटरी प्रोटोकॉल के नाम से जो संस्था बताई जा रही है एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है नहीं करती, ये संस्था एक्चुअली में फंड्स दे रही है नहीं दे रही है, ये सब्सिडी दी जा रही है नहीं दी जा रही है, इसका कोई डेटा है प्रूफ है इस चीज का कि भाई ये कंपनी को फंड कर रही है ये एजेंसी, और इस एजेंसी का बेसिस क्या है, ये इसको कौन ऑथेंटिकेट कर रहा है और इस एजेंसी के पास फंड कहां से आ रहा है? जस्ट इमेजिन दोस्तों 10 साल का 72,000 रुपए और 60,000 कस्टमर तो आज है, जस्ट इमेजिन कितना ज्यादा पैसा ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इतना पैसा आएगा कहां से और किस चीज के लिए? सिर्फ इनकी कंपनी की सेल बढ़ाने के लिए? कोई कॉमन सेंस बनता है? नहीं बनता है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं चैनल पार्टनर की, भारत के अंदर आज की डेट में 19,100 कुछ आपके पिन कोड्स हैं और ये कह रहे हैं कि आपके आधार कार्ड के अंदर जो पिन कोड होगा वो ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर ऐसे देखा जाए तो इनकी कंपनी के टोटल जो डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, चैनल पार्टनर्स बन सकते हैं, वो 19,000 कुछ लोग बन सकते हैं। और ये एक चैनल पार्टनर से अमाउंट क्या ले रहे हैं दोस्तों, 4,50,000 से लेकर के 5,00,000 रुपए की अमाउंट ले रहे हैं। मैं मिनिमम अमाउंट भी अगर लेके चलता हूं 4,00,000 रुपए की अमाउंट अगर मैं लेके चलूं तो ये 735 करोड़ 93 लाख और कुछ हजार रुपए होते हैं। Did you think about it? आपने इसके बारे में सोचा भी है? 735 करोड़ रुपए
ये सिर्फ उन लोगों से ले लेंगे चैनल पार्टनर के नाम पर, और उनके हाथ में क्या होगा कि कुछ कार्ड्स कि भैया इन्हें बेच लो और पैसा कमा लो। दोस्तों थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, आप ऐसे कैसे किसी के भी कहने पर पागल बन सकते हो। और अब यहां पे जो मैंने कहा था आपको, बताया था चार पागल बनाने के हथियार, यहां जो चौथा हथियार है वो कुछ यूट्यूब चैनल्स, वो कुछ चैनल्स जो ये प्रमोट कर रहे हैं कि भैया इतना बढ़िया काम हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना ढंग हो रहा है। दोस्तों फंडिंग की जाती है, पैसा मिलता है प्रमोशन के लिए। आप कब ये चीज समझेंगे कि ये और कुछ नहीं, सिर्फ आपको पागल बनाने का तरीका है। आई होप दोस्तों कि आप इस वीडियो से समझ पाए होंगे कि क्या कहानी है हिंदुस्तान एनर्जी सेवर्स की। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर डिटेल में ब्रीफिंग की जाए और विद प्रूफ आपको बताया जाए कि ये किस तरीके से बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ मॉनिटरी प्रोटोकॉल जो इस संस्था की बात कर रहे हैं उसकी भी सच्चाई आपको बताई जाए, तो जल्दी से वीडियो पे कमेंट करके बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।